हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजिट क्राफ्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा लर्न डूडल आर्ट इन 10 डेज़ का फोर्थ डे है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले वीडियोस देखे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे करना। तो आज हम स्माइलीज बना रहे हैं। स्माइलीज तो आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं जैसा कि आपको पता है, और आजकल के बच्चे तो स्माइली बहुत ही यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कहीं पर हो। और स्माइली बहुत इजीली मिल भी जाते हैं हमें व्हाट्सएप पर। तो ये मैंने थोड़े से स्माइलीज मैंने भी बनाए हैं, बट अगर आपको और भी वैरायटी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में देख सकते हो, फेसबुक में देख सकते हो, तो उनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंट इमोशंस है जिसको हम इमोजी भी बोलते हैं। आई थिंक इमोजी आजकल के बच्चे बोलते हैं, स्माइलीज नहीं बोलते हैं। तो इमोजी मैं वर्ड यूज़ करूँगी फिर। और इमोजी डिफरेंट इमोशंस इसमें दिखाई देते हैं, एंगर, हैप्पी, सैड, क्राइंग, इस तरह के। ठीक है, तो आप उनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डूडल आर्ट में उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके लिए हेयर आई एम यूजिंग नॉर्मल जेल पेन, बट फाइन लाइनर के पेन भी आते हैं, मतलब जिनकी निब बहुत बारीक होती है। एंड उसमें तीन चार होते हैं ऑप्शंस, होते हैं पतली निब, थोड़ी थिक निब उसमें होते हैं। बट द पेन विच आई यूज मोस्ट आर फाइन लाइनर एज ए कम इन डिफरेंट टिप साइजेस, एंड आई प्रेफर टू वर्क विद फाइन निब पेन्स। बट हेयर आई एम यूजिंग जेल पेन, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जेल पेन से भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही है कितना अच्छे से हो रहा है। एंड आपको ज़्यादा स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप जेल पेन यूज़ कर सकते हो बाद में, लेटर ऑन एक बार आप में परफेक्शन आ जाती है तो आप वो पेन परचेज कर सकते हो। तो ऐसे ही आप डिफरेंट स्माइली से, ये मेरे पास अल्फाबेट F है जिसमें मैं स्माइलीज ड्रॉ कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप के स्माइली। ये देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे अच्छे से हो पाएगा ये डूडलिंग आर्ट। बस इसमें आइडियाज़ होने चाहिए, डिफरेंट आइडियाज़ जो आपके माइंड में चल रहा है वो आप एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, बस इतना सा आइडिया होना चाहिए। तो एक बार वो आइडिया आपको मिल जाता है तो देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, एनीथिंग एज इट इज़। नो परफेक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस आर्ट, से जनरल आर्ट, एनी वन कैन डू इट। और जैसे कि मैंने बताया था, बच्चों का तो ये फेवरेट है ही है। आप अल्फाबेट्स पे ड्रॉ कर सकते हो, और नंबर्स, एंड देन टी कप और कैटल ड्रॉ करके उसके अंदर आप डूडलिंग आर्ट कर सकते हो। अब मैं इसमें कलर करूँगी। कलरिंग का हमने पहले नहीं करी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये देखिए, जितना भी गैप है उसमें मैं कलरिंग कर रही हूँ। कलरिंग के भी तीन चार टाइप्स होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है, मैं इमोजी में नहीं करूँगी, बैकग्राउंड में करूँगी। ये देखिए, सारी बैकग्राउंड में कर दी है। तो अब नेक्स्ट अल्फाबेट ले लिया हमने, जी लिया है इसमें। ये आइसक्रीम कोन बना रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट फूड भी तो ड्रॉ करना चाहिए ना हमें, बच्चों का फेवरेट है फास्ट फूड, चाय। चाय तो बच्चे नहीं पीते हैं बट कॉफी जरूर लाइक करते हैं, आइसक्रीम। आपको जो भी, जैसी भी आइसक्रीम अच्छी लगती है आप वैसी आइसक्रीम में कलर कर सकते हो। जिस तरह की आप आइसक्रीम खाते हो, अगर चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो तो डार्क ब्राउन कलर कर सकते हो। देन फ्राइज, फिंगर फ्राइज देखिए, और देन कोक, पिज़्ज़ा,
इस टाइप की चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट बर्गर, अरे बर्गर तो हम भूल ही गए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों का सबसे फेवरेट फास्ट फूड है। दो इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, तो वी शुड नॉट ईट इट मच, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी चाहिए तो इट शुड बी हेल्दी विद मोर ऑफ वेजिटेबल्स, जो कि बच्चों को पसंद ही नहीं है ज़्यादा। ऐसे ही है ना? तो आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसी को ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, किसी में परफेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल चिकन लेग हो गई, ये पिज़्ज़ा का स्लाइस, आप चीज़ स्लाइस भी ऐसे बना सकते हो, कप में आइसक्रीम। इस तरह से आप लिख सकते हो, यम यम यम्मी। ये देखिए, कोक कोला हो गया, ये डोनट, डोनट भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उनको खाना। इस तरह से पेस्ट्री, केक भी आप बना सकते, केक की भी ड्राइंग कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्वासों, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में क्वासों बोलते हैं, कॉफ़ी, इसके बीच में हार्ट शेप भी बना सकते हो आप कॉफ़ी में, जैसे वो क्रीम के साथ बनाते हैं, ब्रेड सैंडविच। और फीलिंग के लिए इसमें चॉकलेट्स, टॉफीज, स्वीट्स, ये सारा ड्रॉ कर सकते हैं। हार्ट शेप की टॉफी हो गई, नॉर्मल टॉफी। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ब्लैक कर रही हूँ बीच बीच में, सबको नहीं करेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लैक ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लैक कलर फिल कर रही हूँ सारी इसमें। देखिए, इसमें भी आप अपनी पसंद के कलर कीजिए। तो इससे पहले अल्फाबेट एफ में हमने सिर्फ बैकग्राउंड में कलर किया था, इसमें बैकग्राउंड में भी करेंगे, और जो इसके ऊपर हमने जो भी आइसक्रीम आर्टिकल जो भी बनाए हैं उनके ऊपर भी हम, उनमें भी कलर हमने किया है, आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हो। नेक्स्ट अल्फाबेट टच आ गया, इसमें भी हम अब वो ड्रॉ करेंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है, लाइक चिल्ड्रन लव टू ड्रॉ सन, क्लाउड्स, एरोप्लेन, दे लव टू डू ऑल दिस थिंग। तो इसमें मैंने वही ऐड करी हैं जो बच्चों को पसंद है, बहुत अच्छे से वो ड्रॉ करना कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। ऐसे ही रैंडमली लेके मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें, लाइक अम्ब्रेला भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। पैराशूट, हॉट एयर बैलून, सॉरी नॉट पैराशूट, स्टार्स, रेनबो, हैप्पी गर्ल बना लेते हैं, एक ऐसी हैप्पी बॉय भी बना सकते हैं। डक, लॉयन,
एपिलॉइन कब? हट बना लेते हैं। वाटर ड्रॉ करके इसमें हमने बोट बना दी। बॉल जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। चॉकलेट हार्ट शेप कैंडी। हैप्पी बॉय भी बना दिया हमने। अब बर्ड बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी ट्री बनाते हैं। क्रिसमस ट्री बना लेते हैं। कार जो बॉयज की फेवरेट है। शिप बनाएंगे। ये आप गैस करिए क्या हो सकता है? हैट, ट्यूलिप, लीफ, फ्लावर्स, मशरूम रहेगी। मशरूम बना लेते हैं। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी मैंने ब्लैक कलर किया है थोड़ा थोड़ा, और बेस में मैंने ग्रीन कलर किया है। देखिए तो आज हमने ये तीन चीज़ें बनानी सीखी। उम्मीद करती हूँ आप